तो भाई लोग कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का VFX एनिमेशन जो है अपने सीन के अंदर कैसे ला सकते हो और किस तरह से जो है इस तरह का आप इफेक्ट बना सकते हो, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एडिटिंग के। तो यार इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए पूरा से, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले जो है आपको इस तरह का एनिमेशन इफेक्ट बनाने के लिए अपने सीन में आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है मॉन्स्टर पार्क। इसको जो है आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वो एप्लीकेशन है, तो इसको जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड करके रखा है और इसको जो है आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो इसमें जो है कुछ क्रिएचर जो है वो आपको ख़रीदने पड़ते हैं, पेमेंट वाला है, तो इसको हमको बाद में जो है लेटर कर देंगे। अब पहली बार जो खोलेंगे तो शायद आपका इंटरफेस कुछ अलग हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको मैंने पहले से ओपन कर रखा है, यानी कि इसका जो कुछ इसमें जो है एक एक्स्ट्रा जो है एक फाइल जो है एक्स्ट्रा ऐप जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो आपको पॉपअप में बता देगा, तो उसको जो है आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में आपको जो है कुछ इस तरह का जो है आपका जो ग्राउंड है वो डिटेक्ट करेगा, तो आपको जो है देखिए तो इस तरह से जो है ये एक पोजीशन डिटेक्ट करेगा और यहाँ पर जो है आपको टैप कर देना है। तो जैसे हमने टैप कर दिया तो इस पोजीशन में आप देख सकते हैं यहाँ जो है एक मॉन्स्टर आ गया है। यहाँ से इसका साइज जो है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से है। अब आप अपने कैमरा को जैसा घुमाएंगे ना, 360 डिग्री जैसा घुमाएंगे, वो पूरा 360 डिग्री जो है पूरा ये आपको 3D इफेक्ट वाला एनिमेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो फीचर है, आप स्क्रीन पे जिस जगह पे आप टैप करेंगे ना, तो ये जो डायनासोर है उसी तरफ ये मूव होगा, ठीक है। तो चलिए ये जो है थोड़ा अलग ही है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अभी मैं अपना स्क्रीन को रोटेशन, ठीक है, मैंने रोटेट कर दिया। अब यहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ से इस तरह से उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, शेडो वगैरह सब है। आप कैमरा को जैसे भी मूव करेंगे ना, तो ये उसी पोजीशन में ही रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, देखिए जहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं तो डायनासोर इधर आ रहा है, और डायनासोर के क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जहां आप क्लिक करेंगे ना तो ये उसी तरफ ही जाएगा, देख रहे हैं ये वहां तक जाएगा। और ये पूरा 360 डिग्री 3D पूरा इफेक्ट आएगा। तो इससे जो है हम छोटा मोटा जो है जैसा शॉर्ट फिल्म वगैरह भी बना सकते हैं मूवी, और आपको कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको दो ऑप्शन यहाँ साइड में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक है कैमरा का और एक है रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ टच करा तो ये रिकॉर्डिंग आ गया, फिर करूँगा तो यहाँ से जो है हम कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, तो इस तरह से जो हमारा फ़ोटो कैप्चर हो गया, ठीक है। यहाँ से शेयर का ऑप्शन है, हम कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से जो फिर रोटेशन करेंगे तो ये जो है इस तरह से हमारा वीडियो रिकॉर्ड चालू हो जाएगा। मगर वीडियो जो है दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ जो है 1 मिनट का वीडियो जो है आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अगर इस सॉफ्टवेयर को अगर परचेस करेंगे तो इसमें और भी बहुत सारा फीचर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से हमने डन कर दिया तो ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा, और आप इसको जो है डायरेक्ट आप YouTube, Facebook या कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ बहुत सारे हैं। अब जैसे कि ये वाला है, ये इनेबल है, इसको हम ऑफ़ कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन है, जैसे कि मैंने अपने उस वीडियो में दिखाया था, तो इसको अगर इनेबल करेंगे तो देखिए ये इस तरह से पोर्ट्रेट इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ जो है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे पैक आपको नज़र आएंगे, तो इसको जो है आपको परचेस करना पड़ेगा।
तो 200 रुपये का ये बंडल है। इसमें डायनासोर की इतने सारे जो है आप देख सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है आपको मिल जाएंगे, ये सारे चीज़ जो है आ जाएंगे। 200 रुपीज़ पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट मूवी वगैरह जो है, जुरेसिक पार्क, जुरेसिक वर्ल्ड टाइप की जो शॉर्ट मूवी वगैरह बनाने के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप यहाँ से चाहें तो शायद मेरे ख्याल से तो इसको परचेस भी कर सकते हैं, मगर जो फ्री वाला है उसी पे हम काम चला सकते हैं। यहाँ हमारे कलेक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं न्यू मॉन्स्टर, बैक एडजस्ट द लाइट है, लाइट वगैरह जो है हम यहाँ शेडो वगैरह जो है, देखिए शेडो वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो शेडो हमें किधर से किधर कैसे रखना है, तो शेडो भी हम जो है शेडो एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन जो है। तो ये स्पाइडर वाला है, तो ये अभी जो है हमको 75 रुपीज़ पड़ रहा है। इसको अगर लेंगे तो मॉन्स्टर शेडो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम लेटर करते हैं। तो यार ये ऐप जो है बहुत ही अच्छा है। आप अगर इसमें आपको कोई भी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक मिनट का कोई भी क्लिप जो है शूट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये आपके फ़ोन में मेरे पे जो है सेव हो जाएगा। और आप जो है बहुत ही जो है बढ़िया इफेक्ट वाला पूरा 3D आप कैमरा जैसा रोटेट करेंगे ना, ये देखिए ये उसका पोजीशन से मतलब वो खिसकने रहा है, उसी पोजीशन में है। आप कैमरा को जैसे भी ये करेंगे ना वो ऐसे ही आएगा। तो चलिए मैं जो है थोड़ा अपना माइक फोन निकाल देता हूँ, रहने दो, मैं थोड़ा इसको क्लोज़ करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप कैमरा को जैसे भी लेंगे ना वो उसी पोजीशन में रहेगा, आप अपने हिसाब से पूरा सीन क्रिएट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ कैमरा से हटा दूँ तो नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आप देखिए फोकस करके दिखा रहा हूँ, तो कुछ नहीं है। मगर जैसे ही मैं ये लेके आऊँगा ना कैमरा, तो आप देख लीजिए ये उसी पोजीशन पे है। तो भाई रियली में ये ऐप जो है काफी बढ़िया ऐप है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। और जहां तक मैं अपना दिमाग लगा सकता हूं, तो इस ऐप के जरिए जो है हम एक शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट मूवी, जो जुरासिक वर्ल्ड या जुरासिक पार्क टाइप का जो मूवी है हम क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा अगर अपना दिमाग अगर यूज करेंगे ना तो बना सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है इस ऐप को लेके कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग शॉर्ट मूवी जो है, शॉर्ट वीडियो जो है वो बनाऊं। तो इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगे आपको ये भी कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग एडिटिंग ऐप रिव्यू वगैरह जो है मैं देता रहता हूँ। साथ ही साथ एडिटिंग के बारे में कुछ टिप्स टिप जो है देते रहता हूँ। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल के बाकी जो वीडियोज हैं, पुराने वीडियोज जो है उनको भी देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएंगे उस वीडियो को। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।